पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और सांसद मौजूद रहे। पीएम मोदी जैसे ही बैठक में पहुंचे तो सांसदों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मैं ना बैठूंगा और ना ही बैठने दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष में फल लगता है वह झुकता चला जाता है। अनंत कुमार ने बताया कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकार के अच्छे कामों का राजदूत बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने बीजेपी सदस्यों से मोबाइल और शैक्षणिक संस्थानों के जरिए सरकारी कामों को प्रचारित करने और बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंचाने को कहा। वहीं अमित शाह ने बैठक में कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव अहम हैं, उनके लिए तैयार रहना है, जो जीत हुई है उससे आगे बढ़ना है। साथ ही इस बैठक में बीजेपी ने फैसला लिया कि पार्टी यूपी की चुनावी जीत को उत्सव के रूप में मनाएगी। 18 मार्च को राज्य भर में विजय दिवस मनाया जाएगा। सभी सांसदों विधायकों की मौजूदगी इसमें रहेगी। तो पांच में से चार राज्यों में बीजेपी ने कमल खिलाया है। बीजेपी ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए आज उनका शानदार स्वागत किया। आपको बता दें कि इससे पहले कल भी लोकसभा में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया था। देखते रहिए डीवी लाइव।